सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। सॉरी फ्रेंड्स, मैं दर्शन और फ्रेंड्स यहाँ पे बजाज पल्सर RS 400 हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है बिकॉज मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं इसके ऊपर, इस बाइक के ऊपर। तो फिलहाल रिसेंटली मैंने जो NS 250 RS 250 के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसके कमेंट्स में मुझे RS 400 के लिए जो है काफ़ी रिक्वेस्ट मिले थे। सो आई थॉट इसके ऊपर भी आप कुछ चीज़ें बता दूँ। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बता दूंगा कि इस बाइक के ऊपर कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है अबाउट लॉन्च डेट। स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस बाइक के रिलेटेड, जो स्पेसिफिकेशन है वो शेयर करूंगा और फीचर शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि एस्टिमेटेड ये बाइक कब तक आ सकती है। तो अगर आप ये देख के सोच रहे हो कि मेरे पास एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन लॉन्च डेट है, तो सॉरी फ्रेंड्स, अभी तक कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं है बिकॉज बजाज ने रिवील नहीं किया, तो फिर मैं कहाँ से बता सकता हूँ, राइट। सो अभी दोस्तों आज के शोर में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अबाउट पल्सर RS 400 एंड मेनली दोस्तों एक चीज़ बताऊंगा आपको, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि शुड यू वेट फॉर इट और नॉट। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों RS 400 की अगर मैं बात कर लूँ तो मिनिमम दोस्तों आने वाले 7-8 महीनों तक ये बाइक आने वाली है। सो ऐसे में दोस्तों एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस बाइक के लिए वेट किया जाए हमें, बिकॉज आज के तारीख में काफ़ी सारे बाइक्स अवेलेबल है आपके पास, ऑप्शन जो है काफ़ी अच्छे जो आप इस प्राइसिंग में बाय कर सकते हो। बिकॉज RS 400 का जो एस्टिमेटेड जो प्राइस है जहाँ तक वो लॉन्च हो सकता है वो है 1,70,000 रुपीज़। तो 1,70,000 एक शोरूम में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आप दूसरे बाइक्स बाय कर सकते हो। सो बेटर कि आप वो बाइक्स बाय कर लें ताकि मतलब ना कि इसके लिए वेट करें। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपसे जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन से। सो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि RS का एक जो टिपिकल लुक्स है डिज़ाइन है वो टाइप में इसका लुक रहने वाला है। लुक के अंदर कोई मेजर चेंज रहेगा नहीं बिकॉज RS सीरीज़ को जो है वैसे ही सेम रखने के लिए यहाँ पे बाइक को लॉन्च करेंगे। अगर सो आपको याद हो तो डोमिनर 400 को जो डोमिनर 250 में जब लॉन्च किया तब भी उसके अंदर कोई डिज़ाइन वाइज कोई चेंजेस नहीं था। सो वही चीज़ होने वाली है विद RS की डिज़ाइन एंड लुक्स में कोई चेंजेस रहेगा नहीं। कलर्स एंड ग्राफिक्स में ऑफकोर्स चेंज रहने वाला है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ 1,70,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंजन की, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर जो आपको डोमिनर का इंजन मिलने वाला है, दैट इज़ आपको जो इस बाइक के अंदर मिलेगा 373 cc लिक्विड कूल इंजन, जो कि आपका DOHC इंजन रहने वाला है। आपको जो मैक्स पावर मिलेगा वो है 40 PS का और जो आपको मैक्स टॉर्क रहने वाला है जो एस्टिमेटेड है वो है 35 Nm। तो दोस्तों यहाँ पे पावर एंड टॉर्क फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं अगर बजाज के इंजन के हिसाब से देखा जाए तो, बिकॉज बजाज के इंजन में जनरली आपको 40 PS का जो पावर मिलता ही है एंड पॉसिबिलिटीज है कि 42 PS तक भी पावर मिल सकता है। बाकी दोस्तों जब बाइक फिलहाल फाइनली लॉन्च होगी तभी आपको सब चीज़ें मालूम पड़ेगा। ब्रेकिंग की बात कर लूँ दोस्तों, तो ब्रेकिंग आपको ड्यूल चेन ईबीएस मिलने वाला है जो कि बट ऑब्वियस है, लेकिन फ्रंट में आपको मिलने वाला है 300mm का सिंगल डिस्क ब्रेक और रियर में मिलेगा आपको 230mm का सिंगल डिस्क ब्रेक। दोस्तों यहाँ पे जो स्पेक्स लीक हुए हैं वो हिसाब से तो यही है कि 300mm का डिस्क ब्रेक मिले, बट अगर 300mm का डिस्क ब्रेक मिलता है तो वो साइज़ छोटा हो जाएगा इसका, मतलब अगर एक 400cc बाइक के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम यार यहाँ पे 320mm का सिंगल डिस्क ब्रेक तो भी मिलना चाहिए। बाकी जब बाइक लॉन्च होगी तभी मालूम पड़ेगा। टायर्स की अगर दोस्तों बात करूँ तो टायर जो आपको मेडिसलर के मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज यार बजाज जो है यहाँ पे रेयरली मेडिसलर के टायर्स प्रोवाइड करती है। सो वो एक चीज़ है। अब दोस्तों बजाज पल्सर RS 400 को आइसमा 2016 में शोकेस किया गया था, बट उसके बाद में जो है ये बाइक लॉन्च हुई नहीं। इसका जो प्रोडक्शन मॉडल है वो बाइक लॉन्च नहीं हुआ, मार्केट में आई नहीं, बिकॉज दोस्तों इस बाइक के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ एरर था, जिसकी वजह से बजाज ने जो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया और मैनुफैक्चरिंग में नहीं डाला। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि बजाज के पास ये बाइक अवेलेबल नहीं है, बजाज के पास ये मॉडल तैयार है, बट कुछ तो प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इस बाइक को लॉन्च नहीं किया गया था। अब दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो वो सबसे बड़ा टॉपिक है, बिकॉज आइसमा 2016 जो मॉडल शोकेस हुआ था उसके अंदर भी आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता था जो अभी RS 200 में आपको मिलता है। सो दोस्तों इस बात के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अभी आपको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलेगा या फिर नॉर्मल आपका जैसा RS में मिलता है, बट दोस्तों आई थिंक इस बार जो है जब ये बाइक लॉन्च होगी तब इसके अंदर क्लस्टर चेंज करेंगे, बिकॉज क्लस्टर चेंज करना दोस्तों बजाज के लिए काफ़ी एक रिक्वायरमेंट है, एक मैंडेटरी है, बिकॉज यहाँ पे जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है बाइक लॉन्च होने वाली है January 2021 में, तब तक दोस्तों यहाँ पे जो है फुल्ली डिजिटल क्लस्टर काफ़ी एक ज़रूरी चीज़ हो जाएगी, जिसके अंदर जो आपको सभी नेसेसरी डिटेल्स मिलने चाहिए, एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर, और क्योंकि दोस्तों बजाज RS 400 को जो है फ्लैगशिप सेगमेंट में डालने वाले हैं तो ये सब चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 99% दोस्तों मुझे लगता है कि बजाज इस बाइक का क्लस्टर चेंज करेगी, फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आपको मिलने वाला है, बट दोस्तों अगेन इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है। सो ये थे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अबाउट बजाज पल्सर RS 400, बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस बाइक के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नो इसके ऊपर कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट तो है नहीं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहा है अप्रैल, तो दोस्तों आपके पास जो है ये प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ 1,70,000 का अगर आपका रेंज है तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप ड्यूक बाय कर सकते हो, बाद में बजाज डोमिनर बाय कर सकते हो, डिज़ाइन में डिफरेंस है लेकिन स्टिल दोस्तों आपके पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है। सो आई थिंक वेट करना नहीं चाहिए, बिकॉज जब तक ऑफिशियल डेट
नहीं आता है तब तक कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि 2016 में भी ऐसा न्यूज़ आया था कि बाइक लॉन्च होने वाली है, बाद में हुई नहीं। सो इसके ऊपर दोस्तों कुछ भी बोल नहीं सकते। हालांकि दोस्तों अभी मुझे पर्सनली लग रहा है कि बजाज काफ़ी जल्दी इस बाइक को लॉन्च करने वाली है, बिकॉज बजाज को भी पता है कि RS 400 के लिए काफ़ी लोग जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। सो उनको भी ये बात पता है, तो बजाज काफ़ी जल्दी इसको लॉन्च कर सकती है, लेकिन स्टिल कोई ऑफिशियल डेट तो है नहीं। सो बेहतर है कि आप दोस्तों आपको जो बाइक बाय करना है बाय कर लीजिए, और स्टिल अगर दोस्तों आप 3-4 महीनों तक वेट कर सकते हो तो आप बिल्कुल वेट कर लेना, बाद में अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो फिर आप उसके वो हिसाब से जो है यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। सो दोस्तों एज ऑफ नाउ ये थे कुछ डिटेल्स ऑन बजाज पल्सर RS 400। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो चाहो तो आप उस ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप की ज्वाइनिंग लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और चाहो तो यार दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ से हम जो है कनेक्टेड रह सकते हैं और मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव भी रहता हूँ। सो इंस्टा की आईडी स्क्रीन के ऊपर शो रही है, और अगर आपको कुछ डाउट हो कुछ बाइक के बारे में पूछ रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पूछ लिया करो, बिकॉज कमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल डालना था, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बस दोस्तों मैं मिलूंगा कल आपको मेरे नायडू के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।